मध्य प्रदेश में युवाओं को बेहतर मौका और रोजगार देने के लिए शिवराज सरकार ने महत्वाकांक्षी योजना सीखो कमाओ योजना यानी अर्न एंड लर्न योजना शुरू की है और योजना के तहत युवाओं को न सिर्फ प्रशिक्षित किया जाएगा बल्कि उनके स्किल को भी डेवलप किया जाएगा जिससे उनको न सिर्फ आय का जरिया मिलेगा बल्कि वो आत्मनिर्भर भी बनेंगे। फैसले कई किए हमने लेकिन एक सबसे बड़ा फैसला कि हमारे हाथों में अगर काम करना हमको आए तो उसके कारण भी रोजगार मिल जाए और इसलिए एक योजना बनाई मुख्यमंत्री युवा कौशल कमाई योजना। समृद्ध युवा खुशहाल प्रदेश कुछ ऐसी ही सोच के साथ प्रदेश की शिवराज सरकार एक योजना लेकर आई है। हम बात कर रहे हैं सीखो और कमाओ योजना की। हमारे बच्चों को बेरोजगारी भत्ते की नहीं काम की जरूरत है। मैं बच्चों को काम सिखाऊंगा। लर्न एंड अर्न करो सीखो और कमाओ। योजना न सिर्फ प्रदेश को समृद्ध करेगी बल्कि युवाओं को भी आर्थिक रूप से मजबूत करेगी। योजना का उद्देश्य युवाओं की स्किल डेवलपमेंट करके उन्हें रोजगार हासिल करने के काबिल बनाना है जिसमें युवाओं को बेरोजगारी भत्ता नहीं बल्कि रोजगार हासिल करने के काबिल बनाने का सपना देखा गया है जिसमें युवा सीखेंगे भी कमाएंगे भी और उन्हें उनकी योग्यता के मुताबिक स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। जब जो सीखेंगे सीखने के बाद उनको रोजगार भी मिलेगा और रोजगार से उनके परिवार की स्थिति भी सुधरेगी और आगे उनके परिवार को वो सक्षम बना सकते हैं। साथ में प्रोफेशनल एक्सपीरियंस मिलेगा इंडस्ट्री का और ये भी हमें मालूम चला कि उसके बाद हमें उसी सर्टिफिकेट पे अगर हमने अच्छा काम किया तो फिर हमें ये भी हो कि हमें जॉब भी वहाँ से ऑफर हो सकता है। तो बहुत अच्छी चीज़ है सर ये। इवन हमारे ग्रुप के सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं इससे। बाई चांस अगर कोई सिखाने के लिए तैयार भी होता है तो वो कोई भी धनराशि प्राप्त नहीं करवाते हैं, वो फ्री में सिखाते हैं। तो इससे ये सबसे अच्छा बेनिफिट यही है कि बच्चों को स्टाइपेंड भी प्रोवाइड किया जाएगा कि आप इससे सीखो और अगर आप बेहतर परफॉर्म करते हो तो उसके बाद आपको वहाँ पे रोजगार भी मिलेगा। उद्योग, सर्विस सेक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ट्रेड मतलब जो खरीदने बेचने का काम होता है, इंडस्ट्री 4.0, ऐसे सभी सेक्टर्स में, तकनीकी जैसे सेक्टर्स में हम युवाओं को ट्रेनिंग दिलवाने का काम करेंगे और ट्रेनिंग के दौरान उनको 8,000 रुपया महीना दिया जाएगा। 8,000 रुपया महीना। इसके लिए आपको सबसे पहले MYKKY की वेबसाइट पर जाना होगा। पोर्टल पर जाते ही यहाँ होम पेज खुल जाएगा। यहाँ पहुंचकर आप सीखो और कमाओ योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहां आपको ऑप्शन मिलेंगे जिस पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद आवेदन फॉर्म खुलकर आएगा। फॉर्म में पूछी गई आवश्यक जानकारी देनी होगी जिसमें नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एवं अन्य संबंधित जानकारी अपलोड करना होगी। इसके बाद मांगे गए दस्तावेज अपलोड करने होंगे। ये सब करने के बाद आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद जिस संस्थान में आपका ट्रेड और ट्रेनिंग सेंटर मौजूद होगा वे संस्थान आपको ऑन द जॉब ट्रेनिंग ऑफर करेंगे। सीखो और कमाओ योजना में युवाओं को प्रशिक्षण देने वाली कंपनियों और प्रतिष्ठानों का रजिस्ट्रेशन 7 जून से शुरू हो गया है। इसके 7 दिन बाद यानी 15 जून से युवाओं के लिए आवेदन करने का सिलसिला शुरू जो कि 15 जुलाई तक चलेगा। इसके बाद ट्रेनिंग देने वाले प्रतिष्ठान और राज्य शासन के बीच 31 जुलाई तक अनुबंध की कार्रवाई होगी और 1 अगस्त से युवा इन संस्थानों और कंपनियों में अपनी ट्रेनिंग शुरू कर सकेंगे। योजना कांग्रेस के युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिए जाने का बेहतर जवाब मानी जा रही है।
ये योजना हमारे लिए बहुत अच्छी होगी, क्योंकि अभी तक हम जैसे अगर कहीं जाते हैं, अगर कहीं बाहर रहते हैं, तो वो जो रेंट हमको फिर खुद से पे करना पड़ता है फैमिली से लेके, तो अभी जो इससे हमें ये फ़ायदा मिलेगा कि हम जब जाएंगे कहीं बाहर, तो उससे हमें पैसे की मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगी, वहीं से हम अपने खर्चे पे सब कुछ कर सकते हैं। बहुत अच्छी लगी हमको, क्योंकि इस योजना के तहत हम आगे भी हमारा भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। जैसे कि पहले क्या था कि पहले हमको मतलब कहीं पे भी हम काम सीखने जाते थे, तो वहाँ पे हमको कुछ स्टाइपन वगैरह, हमको कुछ पैसे वगैरह की कुछ राहत राशि हमको नहीं मिलती थी, और अब ये जो योजना आई है तो इससे हम आगे के लिए भी, फ्यूचर के लिए भी, आगे के लिए भी तैयार हो सकते हैं। बहुत अच्छी सर योजना है, इससे स्किल का डेवलप अच्छा हो जाएगा। अभी आत्मनिर्भर बनेंगे। यस सर। तो क्या लगता है, बढ़िया है, सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं? बहुत थैंक यू सर, शिवराज सिंह चौहान जी का। अब सेल्फ डिपेंडेंट भी हो जाएंगे, क्योंकि हम साथ में नॉलेज भी ले रहे हैं, प्रैक्टिकली नॉलेज भी है, थ्योरिकली नॉलेज भी है, और साथ में उसमें हमको पैसा भी मिल रहा है, जो हम अपना खर्च खुद ही कर सकते हैं। मामा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस योजना में मध्य प्रदेश के मूल निवासी 18 से 29 वर्ष के युवा होंगे। 12वीं या उससे कम पढ़े लिखे होने पर युवाओं को 8,000 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। जिनकी शैक्षणिक योग्यता 12वीं अथवा ITI या उच्च शिक्षित है, वे इस योजना में पात्र होंगे। योजना के प्रावधानों के मुताबिक ट्रेनिंग के दौरान युवाओं को स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। इसके साथ ही मध्य प्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड द्वारा स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा, जिससे ट्रेंड युवाओं के लिए आगे भी रोजगार के अवसर खुलेंगे। इतना ही नहीं, हम आपको यह भी बता रहे हैं कि स्टाइपेंड आपको कैसे और किस तरीके से मिलेगा। ऐसे युवा जो योजना के जरिए लाभान्वित होकर ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं, उनके खाते में योजना की 75% राशि राज्य सरकार, जबकि 25% राशि वह कंपनी या प्रशिक्षण संस्थान जहाँ आप ट्रेनिंग हासिल करेंगे, वह बाकी की 25% राशि आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। खास बात यह है कि यह प्रशिक्षण लगभग 704 अलग अलग ट्रेड में दी जाएगी, जिसके तहत मैन्युफैक्चरिंग, मैनेजमेंट, IT, फाइनेंस, आर्ट्स, मीडिया, बैंकिंग, बीमा, सर्विस सेक्टर, कानूनी और विधि सेवाएं, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसे क्षेत्रों को शामिल किया गया है। इस ट्रेड में प्रशिक्षण हासिल करने के बाद युवा ब्लू कॉलर जॉब के लिए ना सिर्फ पात्र होंगे, बल्कि ट्रेंड भी होंगे और दावेदार भी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। कल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आएंगे भोपाल, पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों का लेंगे जायजा। विनीत शर्मा ने पीएम मोदी के दौरे को लेकर दी जानकारी, कहा 3,000 बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे पीएम। पीएम मोदी के शेड्यूल दौरे के दौरान दिखेगा ठेठ देहाती रंग, कांसी के बर्तन और महुआ के पत्तल में करेंगे भोजन। श्योपुर के बिचपुरी गांव में दबंगों ने मां बेटी को जमकर पीटा, सीताराम मंदिर के जमीन पर कब्जा को लेकर मारपीट।